देखिए, आपको जो है चार सब्जेक्ट पे कमांड रखना, सिर्फ चार पे। इसके सिवा इस चार को इतना स्ट्रांग बना लीजिए उस चार में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और वो सबसे पहला टारगेट जो रखिए वो क्या रखिए, करेंट अफेयर। करेंट अफेयर को ब्रेकफास्ट बना लीजिए, हर दिन पढ़िए, सुबह 4 बजे उठिए। अब थोड़े अपने आप को बदलिए तब रिजल्ट वहां बदल जाएगा, सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। नहीं बदलिएगा रिजल्ट नहीं बदलेगा, सोए रहिए, मजा आता, हमें भी मजा आता, आपको भी मजा आता। सुबह में जब ठंडी ठंडी सुहानी सी हवा चलती है तो क्या प्यारा मजा आता लगता है, बस बेड के नीचे चादर के नीचे आराम से रिलैक्स करें। तो रिलैक्स कीजिएगा तो रिजल्ट भी आपका रिलैक्स करेगा। 4 बजे उठिए, 2 घंटा रगड़ के करंट अफेयर रगड़ दीजिए। अब करंट अफेयर में क्या पढ़े सुजी सर, दृष्टि का आया हुआ है, एक बुक उठाइए, ज्यादा बुक नहीं, या फिर अगर चाहते एडिटोरिया का तो एडिटोरिया का भी पढ़ सकते हो, वो भी अच्छी बुक है, ठीक है ना, तो एडिटोरिया का भी पढ़ सकते हैं, एडिटोरिया भी हमको बड़ा अच्छा लगता, बड़ा अच्छा से लिखा हुआ। एक बुक लीजिए लेकिन एक बुक में एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, ये पढ़ने का मतलब हुआ 10 बुक ले लिए एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए तो फिर बेकार है। एक बुक लीजिए, एक क्वेश्चन गलत ना हो उस बुक से, और सफिशियंट एडिटोरिया, इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ मत उठाइए मार्केट से, सबको कचरे की तरफ फेंक दीजिए। करंट क्लियर, हर दिन 2 घंटे, अभी भी बचा हुआ कितना दिन है, 70 दिन मोटा मोटी, अगर 2 घंटे से जोड़ के देखिएगा कितना आएगा 70 दिन में, 140 घंटे में 150 पेज नहीं पढ़ सकते आप क्या, 150 पेज को रट नहीं सकते हैं क्या, अगर रन नहीं रट सकते हैं तो तमाशा बंद करके जाइए घर। ये करंट अफेयर हुआ, ज्यादा कुछ नहीं करना, करंट अफेयर को भगुआ नहीं बनाना, करंट अफेयर को बगुआ बनाओ, बगुआ, और मजे मजे में हो जाएगा। दूसरा पोर्शन आता है हिस्ट्री का, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सा बुक से, समझ रही पूनम। दूसरा जो है हिस्ट्री, ये वाली बुक, एक बुक सफिशियंट है, टेबल पे अभी से लेके 23 जनवरी तक रहना चाहिए नई वाली। और इसको क्या है, एक एक क्वेश्चन को रगड़ के चाट जाओ, आपके एग्जाम तक ये बुक जो है कम से कम पंचवर्षीय योजना 5 बार खत्म हो जाए, 5 बार कसम खा लीजिए, एक बार करके तो देखिए, नहीं रिजल्ट आएगा तो दोषी सुजीत सर हैं। 5 बार खत्म कीजिए इसको, लग जाइए पागलों की तरह, या तो पागले बन जाएंगे नहीं तो बीपीएससी को उखाड़िए के फेंक देंगे। क्लियर हो रहा है ना, एक ये इसका जो सीरीज है, इसके सारी सीरीज को ले लीजिए लेकिन एक साथ मत लीजिए, एक एक करके पढ़ते रहिए। 2 सब्जेक्ट को पढ़िए पर डे, सिर्फ 2, और एक करंट जो हमेशा आपका चलता रहे। चौथा मत पकड़िए, भगवान के लिए प्रणाम करता हूं, मत कीजिए, ज्यादा करने के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ पाइएगा। अगर यहां हिस्ट्री लिए हैं और किसी लड़के को लगता होगा हिस्ट्री थोड़ा सा टफ लगता है, उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आपको उठाना है वो उठाना है जो इजी लगे। आपके पास में 4 ऑप्शन है, आप जिसको भी उठा सकते हैं। अब बचा हुआ क्या है, साइंस बचा हुआ है, बिहार बचा हुआ है, यही नहीं बचा हुआ, दूसरा साइंस उठा लीजिए, एक साइड से इसको खेलिए, हर बॉल पे छक्का मारिए, और दूसरे साइड से जो प्लेयर बैठा हुआ है बायोलॉजी को उठाइए और वहां से हर बॉल पे छक्का मारिए। आपका रिजल्ट को रोक के दिखा दे, हम भी तो देखें, विज्ञान का एक पूरा सीरीज आता है इसका, आप उसको खरीद लीजिए। ये हुआ तीसरा, इसके साथ में एक बुक आप इंक्लूड कर लीजिए नई वाली, और उसमें कौन, लुसेंट, लुसेंट को एकदम रखिए। अब मान लीजिए कि इसमें हम नेहरू रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं तो लुसेंट में एक बार नेहरू रिपोर्ट देख लीजिए, गांधी युग पढ़ने जा रहे हैं, गांधी युग को एक बार लुसेंट में सरसरी निगाह से कम 2 बार, एक बार में कंफ्यूजन होता है दूसरे बार में क्लियर हो जाता है, 2 बार देख लीजिए, इससे बनाना शुरू कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ऐसे कर लीजिएगा तो रिजल्ट रुक जाएगा, ये हो गया ना। तीसरा, अब यहां से बचा हुआ पोर्शन क्या है, एक पोर्शन बचा हुआ बिहार, बिहार को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, इसके लिए केबीसी नैनो छोड़कर कोई भी बुक नहीं, केबीसी नैनो में प्रिलिम्स कोई बुक नहीं, अगर कोई है तो आपकी इच्छा है,
केबीसी नैनो इतनी बच्चों की तरह किया गया है, मजा आ जाएगा। उसको ले लीजिए, तमाशा बंद कर दीजिए, इसको शिफ्ट हो जाइए, 70 दिन में कम से कम 7 बार चाट जाइए उठाकर, आपका प्रिलिम्स आपके घर में आएगा। रोक के कोई दिखा दे, करके देखिए, खूब लगाइए और जितना पढ़िए उतना रगड़िए, जितना पढ़िए उतना रगड़िए। अगर 5 घंटा पढ़े हैं तो 2 घंटा रगड़िए, जो पढ़ लिए इसको बंद कीजिए और रगड़ना खुद से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो रगड़िएगा दिमाग में आएगा, और जब दिमाग में आएगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जिस दिन कॉन्फिडेंस आपके लेवल तक पहुंचेगा रिजल्ट आपके घर में आएगा। हमारा कॉन्फिडेंस ही डाउन किया हुआ है, इंसान तो है, मजा तो पढ़ने में आता है, सपने भी हैं एसडीएम बनने के, विश्वास ही नीचे गिरा हुआ है, और इस विश्वास को ऐसे ही उठाया जा सकता है। और फिर आइए हमारे पास मेंस में, तोड़ते हैं पूरी तरीके से, आग लगा देते हैं। ये काम कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस इतना होगा ना, जब क्लास में रहिएगा ना और जब जवाब निकलेगा ना, तो सामने जो बच्चा रहेगा वो तो रहेगा, टीचर भी सोचेगा लगता है मेहनत कर रहा है, और उसकी निगाहें ऑटोमेटिक वहां भाग जाएगी। आप जो ड्रामा कर रहे हैं, अब ड्रामा बंद कर दीजिए, ड्रामा का टाइम नहीं है, और ये सच बात बता रहा हूं आपको, अब है ये सब समय करने का, कुछ नहीं है, इतना काम कीजिए, घर में बंद हो जाइए, फोन तोन सब बंद कर दीजिए, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नातेदारी नहीं, बस मां सरस्वती के पैर को पकड़ लीजिए। मां सरस्वती जिस दिन दुआ दे दी उस दिन आपका सिलेक्शन होता है। दुआ किस रूप में देगी? आपका विश्वास बताएगा। इस बार निकाल लेंगे सर रिजल्ट, आप तैयारी करवाइए मेंस का, ये जज्बात होना चाहिए, और ये यहीं होगा। और इसके लिए आपको कितना चाहिए? 2 घंटा करंट अफेयर हो गया ना, 2 घंटा हिस्ट्री हो गया ना, 2 घंटा साइंस हो गया ना, कितना हुआ? 6 घंटा, 2 घंटा रिवीजन। बिना रिवीजन का कोई उपाय नहीं है, पढ़ते पढ़ते जिंदगी गुजर जाएगी, रिजल्ट नहीं होगा। रिवीजन डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट होगा या बाहर निकलोगे। हमारे बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, उनको लगता है बस ठूसते जाओ। अरे निकलोगे कब, सॉरी उगलोगे कब? जितना निकल रहे उतना उगलने की ताकत होनी चाहिए, वही रिजल्ट देगा, बाकी सब तो भीड़ का पात्र होगा। एग्जामिनेशन हॉल में इतना कॉन्फिडेंस से जाइए कि निकल, एग्जामिनेशन में 5 मिनट बचे, कब 2 बजने वाला है, उस समय डिसाइड हो जाए आपका रिजल्ट आ रहा मेरा, कोई रोक के दिखा दे, है आप में ये ताकत, और ये ताकत ऐसे आएगा। हम आधा घंटा मम्मी से, आधा घंटा दीदी से, आधा घंटा बुआ से, आधा घंटा फलना से चिलना से, ये वो से समय गुजार रहे हैं, मत गुजारिए। 8 घंटा बिना एतबार के सर झुका के नीचे बैठ जाइए, ये 8 घंटा आपका अपना है, बाकी मेरा घंटा मुझे दे दीजिए, पागल बन जाइए, लगा दीजिए पूरी एनर्जी, 365 दिन की कसर को पूरा कर दीजिए जो बैठ के खाए हैं। माँ बाप को बताइए कि पापा एतबार नहीं किए ना, तो हमने खुद पे एतबार कर लिया और हमने रिजल्ट दे दिया आपको, अब देखिए मैं क्या करता हूं, ऐसे ही होगा। इसके सिवा अगर एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आपसे जुदा हो रहा, बस ये जान जाइए। बचा हुआ रहा अब क्या, 100 नंबर तो इसी से आ गया आपका, 100 नंबर हो गया ना इससे, अब बचा हुआ क्या रहा? पॉलिटी भी 90% क्वेश्चन जो है करंट से ही रहता है, इकोनॉमी 90% क्वेश्चन करंट से ही रहता है, मैथ्स आपके भाग पे रहता है, कौन पढ़ता मैथ्स, आंख बंद कर मारो जो भी जिनका नाम लेना है, काम खत्म, निकल तो गया, 115-120 ले आइएगा, कौन रिजल्ट रोक देगा आपका, आपको तो मेंस लिखना है, 120 का टारगेट लेकर चलिए, 120 आपका आना चाहिए, इतना जोड़िए कि धड़ाधड़ ए का बी सही है, सी सही है, सही है, सही है, जो चेक करके मिला रहा ना उसकी धड़कन रोक दीजिए, इतना सही कीजिए, और उतना सही करने के लिए आज अभी जलना होगा आपको, खेल थोड़ी है, आसान थोड़ी है, मुश्किल भी नहीं है, बस ये डिजर्विंग आपका टाइम खोजता है, अपने टाइम को दीजिए मां सरस्वती के पास, मां सरस्वती खुद ही रिजल्ट दे देगी आपको, वो तो इंतजार में बैठी हुई, आओ तो कोई लेने के लिए, आती नहीं तो क्या करेगी वो बेचारी, ठीक है ना। तो आज इतना ही, और ये आपके रिजल्ट दे देगा, यकीन मानिए, ठीक ना।